तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंगों में हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम क्या है, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करें थोड़ा सा लेंथी एक्सपेरिमेंट है ना, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है आप देखिएगा, आज का टॉपिक हमारा रहेगा डेविशन जर्मर। इसमें क्या किया, डी ब्रॉगली ने बताया, डी ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना में सिद्धांत में बताया कि जो जितने भी आवेश कण हैं वो तरंग के समान प्रकृति दर्शाते हैं। जितने भी द्रव्य कण हैं जब वो गतिमान होते हैं, उच्च वेग या उच्च ऊर्जा से गतिमान होते हैं, तो वो तरंग के समान प्रकृति दर्शाते हैं। ये बात आप समझते हो, ये डी ब्रॉगली ने बताया। इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, बताओ, डी ब्रॉगली। इसमें डेविशन और जर्मर, डेविशन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के लिए प्रायोगिक सत्यापन किया। अपने प्रयोग में ये निष्कर्ष निकाला, ये प्रयोग करके रिजल्ट निकाला, एक परिणाम निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग के समान प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, तो डेविशन जर्मर प्रयोग है क्या, डेविशन जर्मर प्रयोग ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तरंग के समान व्यवहार दर्शाता है। इस बात का प्रायोगिक सत्यापन देता है कौन, डेविशन जर्मर। ने तो क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, एक कल्पना दी थी, उसको प्रैक्टिकली प्रूफ किसने किया, प्रायोगिक तरीके से प्रूफ किसने किया, साबित किसने किया, डेविशन और जर्मर। ठीक, तो डेविशन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन किया। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो आपको पहली टाइम जो इसमें सबसे ज्यादा याद रखनी हो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक, तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन किया, सत्यापन किया गया। क्लियर, कैसे किया गया। ठीक है, तो एक घटना होती है विवर्तन, कौन सी घटना होती है, विवर्तन। तो विवर्तन क्या है, वो प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति रखता है, एक तो कणीय और तरंगीय। तो तरंगीय प्रकृति का अभिलक्षण है क्या, विवर्तन। तरंगों में क्या होता है, तरंगों में घटनाएं होती है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक के अपने चैप्टर नंबर 10। अभी सिर्फ ध्यान रखना है कि जो विवर्तन घटना है, विवर्तन ये किस पे आधारित है, किससे संबंधित है, तरंग प्रकृति से संबंधित है। किससे होता, तरंग प्रकृति, मतलब यदि तरंगे होंगी तो उनका विवर्तन हो सकता है, और यदि विवर्तन हो रहा है तो पक्की बात है वहां तरंग उपस्थित है। कहीं भी विवर्तन की घटना हो रही है तो वहां पे क्या उपस्थित है, बताओ, तरंग उपस्थित है, ये ध्यान रखना है। तो विवर्तन तरंग प्रकृति का होना, सही है, कोई दिक्कत आ गया हो। फिर कैसे किया, सत्यापन कैसे किया वो बताते हैं। तो दूसरी लाइन आपको सुनिए कि यदि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है तो उसका विवर्तन हो जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है, डी ब्रॉगली ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है, जिन्होंने क्या किया, ये चेक किया कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है तो इसका विवर्तन हो जाना चाहिए। बोलो सही है, इसका क्या हो जाना चाहिए बताओ, विवर्तन हो जाना चाहिए। क्लियर, तो देखो आप, विवर्तन हो जाना चाहिए। अब प्रकाश आपने पढ़ा है, प्रकाश के प्रकार आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के आधार पर प्रकाश को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया, किया गया बढ़ती हुई आवृत्ति और घटती हुई तरंग दैर्ध्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा प्रकार, परावैगनी, दृश्य, आवृत्त, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, ऐसे बोले। तो एक्स किरणों की बात करें, एक्स किरणें जो होती है, नाम इनका एक्स किरणें है, लेकिन ये प्रकाश है, प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है बताओ, तरंग प्रकृति होती है, वो होती है। और इसका क्या हो जाता है बताओ, विवर्तन, आसानी से क्या हो जाता है बताओ, विवर्तन। और विवर्तन से जो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मिलती है, क्या मिलती है, एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य मिलती है, उस तरंग दैर्ध्य की कोटि जो होती है वो बराबर होती है बताओ किसकी, बताओ, लगभग बराबर होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की तरंग की, तरंग दैर्ध्य की। इन वर्ड्स को आप समझ रहा, थोड़ा सा इस प्रयोग की शुरुआत करना टिपिकल है, आगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे ही अपन प्रायोगिक व्यवस्था बनाएंगे वहां समझ में आ जाएगा, शुरुआत करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैंने क्या बताया,
देखो प्रकाश का एक प्रकार है क्या, एक्स किरण, और एक्स किरण क्या है, प्रकाश, और प्रकाश द्युत प्रकृति रखता है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, तरंग, और तरंग ये प्रकृति है तो विवर्तन होगा, होगा होगा, और जब विवर्तन होगा तो नोटिस किया गया कि एक्स किरणों के, एक्स किरणों की या एक्स तरंगे जो है, तरंगे बोल सकते हो, एक्स तरंगे जो है इनकी तरंग देने की 40 मतलब 10^10 जो भी आती है, जैसे माइनस 7 देख रहा हूँ, तो एक्स किरणों या एक्स तरंगों की तरंग देने की 40 इलेक्ट्रॉन, जिसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग की तरंग देने की 40 के लगभग बराबर मिली, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इलेक्ट्रॉन भी एक्स किरणों की भांति या तरंगों की भांति व्यवहार करते। अब वापस बनाइए, क्या बनाया पहला तरीका, अब जो बोर्ड का पेपर में एग्जाम देने जा रहा था, आपको हर एक लाइन क्या है, हर स्टेप मार्किंग होती है, हर एक लाइन आपके दिमाग में होती थी, तो पहले 4-5 लाइन इसमें टिपिकल है, बाकी आगे कुछ नहीं, आगे आपको क्या डायग्राम देख के सब देखा, प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, लेकिन आपको पहले 4-5 लाइन समझ आ गई तो पूरा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। इस चैप्टर में से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीच में से, इसमें से एक नंबर के दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। तो क्या है, वापस डेविडसन जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन किया गया, ठीक है। हम जानते हैं कि विवर्तन तरंग प्रकृति का गुण है, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है तो उसका विवर्तन हो जाना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है तो उसका विवर्तन हो जाना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि एक्स किरणें जो है उनका विवर्तन आसानी से हो जाता है, और एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की 40 इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की 40 के लगभग बराबर होती है, जो इस बात को इंगित करती है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग के समान प्रकृति दर्शाता है एक्स किरणों की भांति, सही है, और एक्स किरणों का विवर्तन आसानी से हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन भी हो जाना चाहिए। तो इस प्रयोग में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन करा के देखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन संभव है, इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन संभव है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति दिखाएगा, बताओ, तरंग के समान प्रकृति दर्शाएगा, क्लियर है। तो यह है हमारे इस प्रयोग का उद्देश्य। विवर्तन क्या होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश का किसी छिद्र या किसी द्वारक से गुजरकर अपनी प्रारंभिक दिशा से मुड़ जाना क्या कहलाता है, बताओ, विवर्तन। आपने देखा कभी टॉर्च, टॉर्च के आगे से गंदा रहता गिरा होता, जब अपन टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो प्रकाश है वो ऐसे फैल जाता है, आता कैसे ही सीधा, और कोने पे आगे ऐसे फैल जाता है, ये सीधा आता है, इधर से सीधा आता है, बहुत जलता है, सीधा प्रकाश आता है, यहाँ पर जलता है, सीधा प्रकाश आता है, और कोने पे जाके क्या हो जाता है, मतलब वास्तविक दिशा से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, किसी द्वार से किसी छिद्र से जब प्रकाश ऐसे मुड़ जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, बताओ, मतलब प्रकाश का अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, विवर्तन। डिटेल में पढ़ेंगे अपन चैप्टर 10 में तरंग प्रकाश, अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, बेसिक इसका बेसिक समझ आया। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कराएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति दिखाता है, तरंग के समान। करें अब क्या हुआ, ये जो एक्स किरण के विवर्तन के लिए फॉर्मूला काम में लिया जाता है, जिसका जो है 2d sin थीटा कहां से आया, विवर्तन टॉपिक से, चैप्टर 10 में, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अभी चैप्टर 10 आपने नहीं पढ़ा है। तो डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, मतलब तरंग दैर्ध्य, थीटा क्या होगा, विवर्तन कोण, अभी समझाएंगे, डी क्या होगा, ये भी थोड़ी देर में एक्सपेरिमेंट में आएगा, एन क्या होगी, पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रयोग, डेविएशन जर्मन प्रयोग, बेसिक बातें मैंने आपको, तो देखो डेविएशन जर्मन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था क्या देगा, इसमें क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन घन लेते हैं, क्या लेते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन घन, ध्यान से समझिए, हमने क्या लिया बताओ, एक
घन जो किसका उत्सर्जन करती है बताओ, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। कैसी होती है समझ रहा आपको, इलेक्ट्रॉन घन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घन में एक तटस्थन का फिलामेंट दिया जाता है, ऐसा ही फिलामेंट नहीं हो, ये फिलामेंट किसका बना होता है, डब्लू डब्लू मतलब तंगस्तन। समझ लो आपने बल्ब देखा, बल्ब घर का जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है पतला सा, किसका बना होता है, तंगस्तन। क्यों बनाते हैं टंगस्टन का, क्यों टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, उच्च ताप पर भी ये पिघलता नहीं है और ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो देखो इस प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, गन की संरचना बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इस टंगस्टन के फिलामेंट को एलटीबी से जोड़ देते हैं, एलटीबी मतलब लो टेंशन बैटरी से जोड़ देते हैं, निम्न वोल्टता की बैटरी से हम इसे जोड़ देते हैं। जैसे ही बैटरी से जोड़ा जाता है तो टंगस्टन के फिलामेंट पे धारा बहती है, धारा बहने के कारण ये टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है, और गर्म होने के कारण चैप्टर की शुरुआत में बताया था तापायनिक उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। टंगस्टन धातु ये गर्म हो गई तो गर्म होने के कारण धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताओ, उत्सर्जित होते हैं, बोलो होते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों को डायफ्राम से गुजारा जाता है, डायफ्राम देखो ऐसे इस तरह के दो डायफ्राम बनाए जाते हैं, बीच में अपने यहां ऐसी व्यवस्था की जाती है, एक बेलनाकार पाइप ऐसा लगाया जाता है, पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, डायफ्राम। तो इनको दो डायफ्राम से गुजारा जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हैं ऐसे यहाँ ऐसे निकल के बाहर, डायफ्राम में ये जो दोनों पट्टियाँ होती है इसमें एक को तो नेगेटिव पोटेंशियल में रखा जाता है, रेडियो ऑप्टर, और दूसरे को पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब इन दोनों पर एक बैटरी जोड़ दी जाती है, बैटरी के दोनों टर्मिनल जोड़ दिए जाते हैं, बैटरी कैसे लिखेंगे, एचटीबी, एचटीबी मतलब हाई टेंशन बैटरी मतलब उच्च वोल्टता की बैटरी। तो दोनों प्लेटों को उच्च वोल्टता की बैटरी से जोड़ा जाता है और बीच में एक बेलनाकार पाइप लगाया जाता है, इससे क्या होता है कि जो टंगस्टन के फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में उत्सर्जित हो रहे हैं तो इधर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, एकदम सीधी रेखा, भिन्न भिन्न दिशाओं में उत्सर्जित होंगे, कुछ इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, लेकिन यहाँ जब इस डायफ्राम से गुजर कर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं आपको बता, एकदम सीधे और सरल रेखे मिलते हैं, मतलब एक सरल रेखीय इलेक्ट्रॉन पुंज की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये ऋणावेश प्लेट है, धनावेश प्लेट है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके बीच के क्षेत्र में आता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, विद्युत बल, क्या लगता है बताओ, क्योंकि ऋणावेश और धनावेश के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, विद्युत बल, और विद्युत बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या उत्पन्न होगा, त्वरण, विद्युत बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या उत्पन्न होगा बताओ, त्वरण, बोलो होगा या नहीं, क्लियर है क्या, विद्युत बल लगने से त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाएगी, त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि यदि हो गई, वेग में वृद्धि हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा के साथ सरल रेखीय रूप में बाहर निकलेंगे, क्लियर। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन घन, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, तो इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो डायनेशन जर्मन प्रयोग में ये क्या होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन घन होती है। अब इलेक्ट्रॉन घन से निकलने वाला ये सरल रेखीय इलेक्ट्रॉन पुंज जो है आगे बढ़ता है, आगे इसके मार्ग में क्या लगाया जाता है बताओ, एक निकिल क्रिस्टल, क्या लगाया जाता है, तो इनके मार्ग में क्या लगा दिया जाता है, निकिल क्रिस्टल, निकिल का बना हुआ एक क्रिस्टल लगाया जाता है। ओके, अब निकिल क्रिस्टल कैसा होता है, मान लो कि हमने ऐसा एक निकिल का क्रिस्टल लगाया, अब निकिल क्रिस्टल की जालक संरचना कैसी होती है, ऐसे पतली पतली परतें होती है, निकिल के परमाणु की परतें, तो इनमें क्या होता है, परतों में निकिल के परमाणु कुछ दूरी पर एक समान दूरी पर या नहीं है दूरी पर ऐसे इस तरह की एक दूसरे से समान दूरियों पर रहते, एक दूसरे से समान दूरियों पर व्यवस्थित रहते हैं निकिल के परमाणु, तो निकिल का क्रिस्टल किससे बनता है, निकिल के परमाणु से मिलकर बनता है, तो अलग अलग परमाणु बराबर बराबर दूरी पर इन
जालक संरचनाओं के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब ये उच्च गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इस लिक्विड क्रिस्टल पर आपतित होते हैं, उच्च गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जब लिक्विड क्रिस्टल पर आपतित होते हैं कैसे, ऐसे में बोलिए आया
आयतन प्रकोष्ठ है इसको वृत्ताकार पैमाने पर आगे पीछे सरकाया जा सकता है और किसी भी जगह पर आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता या ऊर्जा के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस आयतन प्रकोष्ठ की सहायता से ये कोण भी नापा जा सकता है, जैसे आप इसको मिटाएं और इसको मिटाएं और ये जो कोण बनता है ये वाला कोण, ये कोण कहलाता है विवर्तन कोण या प्रकीर्णन कोण, विवर्तन कोण या प्रकीर्णन कोण। ठीक है, तो क्या होता है विवर्तन कोण? आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? विवर्तन। तो आयतन प्रकोष्ठ को आगे पीछे खिसका कर इस विवर्तन कोण को भी मापा जा सकता है। कुल मिलाकर संसूचक की सहायता से विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता पता कर सकते हैं और साथ में इस विवर्तन कोण को भी माप सकते हैं। माप सकते हैं, तीव्रता का पता कैसे लगाएंगे? हम इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता अधिक होगी तो यहाँ पे धारा भी क्या बहेगी? ज्यादा। तीव्रता बढ़ने पर धारा बढ़ती है, तो तीव्रता यदि अधिक होगी तो धारा का मान भी बढ़ेगा। धारा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता क्या होगी बताओ? ज्यादा। बोलो होगी या नहीं? क्लियर है? अब ये जो प्रयोग है ये पूरा प्रयोग एक बंद कक्ष में, एक निर्वातित कक्ष में किया जाता है, निर्वातित जहां वायु नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वायु उपस्थित होगी या धूल के कण उपस्थित होंगे तो वायु के अणु या धूल के कण क्या करते हैं बताओ? वायु के अणु या धूल के कण क्या करते हैं? ये विवर्तित इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में आएंगे, इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को कौन ग्रहण कर लेगा? धूल के कण या वायु ग्रहण कर लेगी, तो वास्तविक रीडिंग नहीं आ पाएगी, एक्चुअल ऊर्जा का मापन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस पूरे प्रयोग को किसमें करते हैं बताए? निर्वातित कक्ष में करते हैं। तो ये क्या है बताओ? डेविशन जर्मर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था है, प्रायोगिक व्यवस्था बनाई गई, ऐसी व्यवस्था बनाकर डेविशन जर्मर प्रयोग को शुरू किया गया। तो मैंने आपको ये प्रायोगिक व्यवस्था बताई, अब इस प्रायोगिक व्यवस्था को यदि आगे बढ़ाएं तो आप क्या सीखेंगे बताओ? कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकालेंगे, कैसे काम किया गया, तो कार्यविधि को आप समझे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना कौन सा? डी साइन थीटा बराबर याद रहेगा। और आपको याद रखना है जो निकिल क्रिस्टल है इसकी कोई भी दो परमाणुओं के बीच की, दो क्रमागत परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2.14 एंगस्ट्रम। सही। और हमारा उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाना चाहिए? विवर्तन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन कराया गया, ये कौन क्या कहलाएगा बताओ? विवर्तन कहलाएगा। तो मैं घर वाला मटेरियल रफ करता हूँ, इसको हमने रफ किया और क्या रिजल्ट आपको मिला वो देखो। तो कार्यविधि में आप सभी समझेंगे, देखो इधर बातें नहीं, कार्यविधि को ध्यान से समझना है। कार्यविधि में क्या है कि देखो ये जो थी उच्च वोल्टता, देखो ये जो वोल्टता है उच्च वोल्टता, इधर ध्यान देना सभी को, ये जो उच्च वोल्टता है, उच्च वोल्टता से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? त्वरित हो रहे हैं, त्वरित मतलब उनके वेग में वृद्धि हो रही है। तो अगर ये वोल्टता, ये विभवांतर के मान अलग अलग रखें तो यहाँ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होगी, ऊर्जा अलग अलग होगी तो यहाँ मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता भी अलग अलग होगी। सही है? तो अगर विभवांतर बदला जाए तो तीव्रता क्या मिलेगी? अलग अलग। तो यहाँ क्या किया गया, डेविक्शन और जर्मर ने ये उच्च वोल्टता या त्वरित वोल्टता, त्वरित करती है तो क्या बोलते हैं? त्वरक वोल्टता या त्वरित वोल्टता, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है ना। तो डेविक्शन और जर्मर ने त्वरक वोल्टता के भिन्न भिन्न मानों पर, त्वरक वोल्टता के भिन्न भिन्न मानों पर विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के भिन्न भिन्न मान नोट किए, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के अलग अलग मान नोट किए, इसके साथ विवर्तन कोण के साथ, मतलब विवर्तन कोण भी नोट किया, विवर्तन कोण का मान भी नापा। तो मैंने क्या बोला वापस सुने, त्वरक वोल्ट के भिन्न भिन्न मानों पर विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के भिन्न भिन्न मान नोट किए गए, किसके साथ? संगत विवर्तन कोण के साथ। और जब इनके लिए भिन्न भिन्न विभवांतर पर जब परिवर्तन ग्राफ बनाए गए, किसके लिए? तीव्रता के लिए, तो वो परिवर्तन ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ, ऐसा। ये परिवर्तन ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त हुआ। वैसे बहुत सारे ग्राफ उन्होंने बनाए, जनरली ये जो प्रयोग किया गया, प्रयोग के जो प्रेक्षण दिए गए वो कहाँ से दिए गए? 44 वोल्ट से
देखो पहले एक बार पर पॉइंट था 44 पॉइंट रखी गई, फिर थोड़ी बढ़ा दी 46 48 50 54 60 62 66 ऐसे, तो 44 पॉइंट से और 64 पॉइंट के बीच में अलग अलग पॉइंटताएं आरोपित की और अलग अलग पॉइंटताओं पे यहाँ अलग अलग तीव्रताएं की और तीव्रता के लिए जब ग्राफ बनाए गए तो ग्राफ कुछ ऐसे थे। पहला ग्राफ आपको मिला ऐसा, दूसरा ग्राफ आपको कुछ ऐसा, तीसरा ग्राफ आपको सही है, तो ऐसे कुछ ग्राफ मिले। तो ये ग्राफ दर्शा रहे थे, बहुत सारे ग्राफ बनाए 44 से 64 तक, तो इन्होंने देखा कि ये जो बीच में जो 54 वॉट पड़ता है, 54 वॉट वाले ग्राफ में ये नुकीलापन ज्यादा होता है, तीक्ष्णता ज्यादा होती है। 54 वॉट वाले ग्राफ में नुकीलापन ज्यादा होता है, तीक्ष्णता ज्यादा होती है ना, आपको याद रखना है। तीव्रता के लिए ग्राफ जितना नुकीला आएगा तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, तीव्रता के लिए ग्राफ जितना नुकीला आएगा तीव्रता उतनी ज्यादा। हालांकि अभी ये समझ में कम आएगा क्योंकि तीव्रता अभी पड़ी नहीं है, चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी जब पढ़ेंगे तो वहां तीव्रता के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देखोगे ग्राफ जितना नुकीला होगा, नुकीला ग्राफ है तो यहाँ तीव्रता के यहाँ ज्यादा, और ग्राफ क्या होगा फ्लैश समतल है तो यहाँ तीव्रता क्या होगी बताओ कम। तो तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है कि जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा होना चाहिए बताओ, ऊर्जा का जो ग्राफ मिलता है कैसा होना चाहिए नुकीला। तो आप देखते हो 44 वोल्ट से 64 वोल्ट तक के ग्राफ खींचे गए अलग अलग तीव्रता के लिए, तो सबसे ज्यादा नुकीला ग्राफ, सबसे ज्यादा तीक्ष्ण ग्राफ कितने वोल्ट पे मिला बताओ, 54 वोल्ट पे मिला, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे ये जो विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता क्या है बताओ, अधिकतम है, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता अधिकतम है। और इसी के संगत जो विवर्तन कौन मिला, इस 54 वोल्ट पे जो विवर्तन कौन मिला, विवर्तन कौन को यही दिखाया गया इस ग्राफ में कैसे कैसे मिला, ये जो कौन है थीटा, ये क्या कहलाया था विवर्तन कौन, इसको यार रिप्रेजेंट किया, तो ये जो विवर्तन कौन नापा गया तो ये कितना मिला बताओ 50 डिग्री, कितना मिला ये विवर्तन कौन नाप लिया, प्रैक्टिकली तो किया था डेविशन और थर्मल ने, तो प्रैक्टिकल में विवर्तन कौन को नाप लिया कितना मिला बताओ 50 डिग्री। जब यहाँ पे फर्क पड़ता कितने रखी बताओ 54 वोल्ट, और यहाँ पे ग्राफ नुकीला मिला सर्वाधिक नुकीला, मतलब यहाँ पे विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता क्या बताओ सर्वाधिक है, इससे कम विभव करने पर, इससे कम विभवांतर करने पर ये नुकीलापन धीरे धीरे गायब हो जाता है, इससे ज्यादा विभवांतर करने पर भी नुकीलापन धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो सर्वाधिक तीव्रता कहाँ मिलती है बताओ 54 वोल्ट के विभवांतर पर और 50 डिग्री के विवर्तन कौन या प्रकीर्णन कौन, ठीक है। तो इस प्रेक्षण को सर्वाधिक उपयुक्त प्रेक्षण माना गया, सबसे अच्छा प्रेक्षण माना गया इस प्रयोग का। तो इस प्रेक्षण को लेकर आगे बढ़े, तो इस प्रेक्षण को लेकर आगे बढ़े तो यहाँ क्या हो गया बताओ, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया विवर्तन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ मुड़ गए अपने वास्तविक भाग से मुड़ गए, तो क्या हो गया बताओ इसका विवर्तन, विवर्तन हुआ, और विवर्तन के बाद जो तीव्रता मिली उसका ग्राफ आपके सामने है। तो विवर्तन के, विवर्तन को हल करने के लिए ब्रेक का समीकरण बनाया गया, और ब्रेक का समीकरण अभी क्या बताया था मैंने, डी साइन थीटा बराबर एल एम, ठीक है। तो यहां माना गया कि इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन हो रहा है एक्स किरणों की भांति, तो ब्रेक का समीकरण लगाया गया डी साइन थीटा बराबर एल एम, एन का मान क्या रखेंगे, एन का मान के लिया, क्यों लिया कि सर्वाधिक तीव्रता जब प्राप्त होती है तो एन का मान क्या रखा जाता है, जब एन एक होता है तो तीव्रता कैसी प्राप्त होती है सर्वाधिक, बहुत अधिक बहुत ज्यादा तीव्रता प्राप्त होती है, ठीक है। और एन का मान यदि बढ़ता जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो तीव्रता का मान क्या है घटता जाता है, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे डिटेल में, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें अभी कि एन बराबर 1 पर सर्वाधिक तीव्रता होती है। चैप्टर 10 में जब ऊपर विवर्तन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा कि तीव्रता कैसे अधिकतम होती है कैसे न्यूनतम होती है, सही है। अभी ये ध्यान रखें सर्वाधिक तीव्रता एन बराबर 1 जिसे प्रथम कोटि का विवर्तन कहा जाता है इस पर प्राप्त होती है, ठीक है। एन का मान 1 रखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया लैम्डा बराबर डी साइन हो गया, लैम्डा ऐसे ही डी क्या बताया था मैंने, डी निकिल क्रिस्टल में 2 निकिल के परमाणु के बीच की दूरी कितनी 2.14 × 10⁻¹⁰ थीटा, ये रहा विवर्तन कौन या प्रकीर्णन कौन, प्रयोग से मिला, मैंने नहीं लिखा प्रयोग से मिला, कितना मिला बताओ 50 डिग्री।
अब साइन 50 डिग्री का मान आपको नहीं पता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल किया गया। हल करने के बाद जो फाइनल आंसर मिला वो कितना मिला? 1.65 एंगस्ट्रम। तो तरंग दैर्ध्य कितनी मिली बताओ? 1.65 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो डेविशन और जर्मर ने बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हो जाता है, ये अपने वास्तविक पद से विचलित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन हो जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है, विवर्तन हो गया तो क्या रखेगा? वो तरंग प्रकृति। तो अगर इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है तो विवर्तन के लिए फॉर्मूला लगाया और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की, तो तरंग दैर्ध्य कितनी मिली? 1.65 एंगस्ट्रम मिली। तो ये जो तरंग दैर्ध्य मिली ये क्या बताओ? प्रायोगिक मान। क्या है बताओ? प्रैक्टिकल वैल्यू है ये जो तरंग दैर्ध्य की वैल्यू आई वो कैसी आई? प्रायोगिक मान, प्रयोग करके निकाली। ठीक है, जबकि डी ब्रॉग्ली के अनुसार चेक करें सैद्धांतिक मान क्या था, सिद्धांत जो दिया उस सिद्धांत के अनुसार मान क्या था? सैद्धांतिक मान, ट्रू वैल्यू क्या थी? तो सिद्धांत के अनुसार डी ब्रॉग्ली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 12.27 √b एंगस्ट्रम। पिछली क्लास में बताई थी 12.27 √b एंगस्ट्रम। इसमें बी का मान कितना रखा गया बताओ? 54। तो बी का मान जब यहाँ 54 रखा गया और इसे हल किया गया तो लैम्डा का मान मिला 1.67 एंगस्ट्रम। मिला 1.67 एंगस्ट्रम मिला है। तो ये जो लैम्डा का मान मिला, देखना ये जो लैम्डा का मान है 1.65 एंगस्ट्रम, ये क्या है बताओ? प्रायोगिक मान, प्रयोग करके निकाला गया। ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन दिखा रहा है और विवर्तन के कारण ये तरंग प्रकृति दर्शा रहा है, तो प्रयोग करके ये प्रायोगिक मान निकाला गया। और डी ब्रॉग्ली परिकल्पना के अनुसार सीधा जो फॉर्मूला था उसका क्या निकाला गया बताओ? सैद्धांतिक मान। हमने देखा कि प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान क्या आते हैं? बराबर। जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य है उसका प्रयोग द्वारा मान और सिद्धांत द्वारा मान कैसा आता है बताओ? बराबर। बोलो आता है नहीं? तो अगर ये बराबर आता है, बिल्कुल एक जैसा आता है, जिससे साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के समान प्रकृति दर्शाता है। तो प्रयोग द्वारा साबित किया गया, इसमें बताओ? डेविशन और जर्मर, यही है डेविशन जर्मर। इसी के साथ जो चैप्टर एक कंप्लीट होता है, चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव, छोटे छोटे क्वेश्चनों का समावेश, इसको एक चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़ें, है ना। एक दो न्यूमेरिकल आएंगे छोटे छोटे और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से आप याद रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।